ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाल ही में हुई भारी बारिश से नूरपुर शहर के वार्ड नंबर 9 के कई घर आज खतरे की जद में हैं। आलम यह है कि इस वार्ड के लगभग 23 घर कभी भी भूस्खलन की भेंट चढ़ सकते हैं। घरों की छतों और दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और किसी भी रूप में ये घर सुरक्षित नहीं है। इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस के महासचिव एवं नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने इस वार्ड का दौरा किया और उन्होंने कहा कि ये घर पूरी तरह से असुरक्षित है और प्रशासन को चाहिए कि वो इन घरों को पुनर्वास को लेकर संजीदगी दिखाए। हाल ही में हुई भारी बारिश से नूरपुर शहर के वार्ड नंबर 9 के कई घर खतरे की जद में हैं। आलम ये है कि वार्ड के लगभग 23 घर कभी भी भूस्खलन की चपेट में आ सकते हैं। घरों की छतों और दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और किसी भी रूप में ये घर सुरक्षित नहीं है। इन परिवारों की रात की नींद उड़ गई है और ये परिवार हर्षमय डर के साए में वक्त गुजार रहे हैं। इन परिवारों की माने तो इन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई अपने घरों के निर्माण कार्य में लगा दी, लेकिन आज उसका परिणाम ये हुआ कि उनके घर पूरी तरह असुरक्षित हैं, क्योंकि लगातार जमीन खिसकने के कारण इन घरों के साथ लगे डंगे धाराशायी हो चुके हैं, जिसके चलते वो हर वक्त भय के साय में जी रहे हैं। आज इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस के महासचिव एवं नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने इस वार्ड का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये घर पूरी तरह असुरक्षित है और प्रशासन को चाहिए कि वो इन घरों के पुनर्वास को लेकर संजीदगी दिखाए। अजय महाजन ने कहा कि इससे पहले कोई अनहोनी हो, सरकार को चाहिए कि वो आईटीआई के साथ लगती सरकारी भूमि पर इन परिवारों को बसाए। पूर्व विधायक ने कहा कि जब तक इनके पुनर्वास का प्रबंध नहीं होता, तब तक सरकार को चाहिए कि वो धूल विस्तृत हो चुके इन डंगों की जगह नए डंगों का निर्माण करे, ताकि इन परिवारों को कुछ समय तक राहत मिल सके। उन्होंने हाल ही में हुए डंगे निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि जिन डंगों का निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ है वो आज तक खड़े हैं, लेकिन जिनका निर्माण अभी 2 महीने पहले हुआ वो धाराशायी हो चुके हैं। उन्होंने इसके निर्माण कार्य की जांच करवाने की भी बात कही। मैं वार्ड नंबर 9 में आया हूँ। ये पीछे जो बारिशें हुई हैं उससे इस वार्ड को बहुत खतरा हो गया। यहाँ पे जो स्लाइडिंग हुई है, अभी मैं पूरा वार्ड का मैं दौरा करके आया हूँ। ये तकरीबन सारे घर जो हैं ये क्रैक हो गए हैं और ये स्लाइडिंग जोन में आ गए हैं और ये जाने वाले हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूँ सरकार को कि इनके पूर्ण निवास के लिए एक अलग जगह दी जाए। जहाँ पे आईटीआई है वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा डीसी लैंड है और सबको वहाँ पे जगह अलॉट की जाए और घरों के लिए भी पैसा दिया जाए, क्योंकि ये सारे गरीब लोग हैं, इनके पास कोई बहुत साधन नहीं है और ये कई सालों से ये इस घरों में रह रहे हैं और जो हालात बन रहे हैं कभी भी इनके घर जा सकते हैं। तो शीघ्र अतिशीघ्र इनको जगह अलॉट की जाए और जब तक वो जगह अलॉट नहीं होती तब तक इसको इसकी रोकथाम, इस स्लाइडिंग को रोकथाम करने के लिए ऑफिसर भेजे जाएं कि इसका जो पैसा अलॉट हो कि इमीजिएटली इसका कोई ना कोई मतलब जो इमीजिएट डेंजर है उसको रोकने के लिए पैसा दिया जाए। और जो घरों में नुकसान हुए हैं, जो सारे के सारे तकरीबन जो क्रैक हो गए हैं, वो लेंटर भी चले गए हैं, उनके लिए भी मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उनको भी उचित राशि दी जाए कि वो मकान ठीक कर जाए। पर सबसे बड़ी बात है कि इनको 23 घर हैं, तकरीबन 23 परिवार हैं, उसके आगे भी कई परिवार बन गए हैं। वो सारे जो लोग हैं उनको अगर अलॉटमेंट जगह नहीं हुई तो ये कभी भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो वो बच्चे जो हैं वो डर के मारे सो नहीं सकते, सारे लोग अपनी छतों में बैठे रहते हैं, बाहर अपने वरांडों में बैठे रहते हैं। तो सरकार को जागृत होना पड़ेगा और इनकी समस्याओं को हल करना पड़ेगा। यही मैं निवेदन करना चाहिए।